हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल टच में। तो आज एक और वीडियो हम बनाने जा रहे हैं टेक्निकली। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा डिजिटल मीटर होता है उसको कैसे चलाया जाता है, कैसे उसमें कंपोनेंट हम टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा डिजिटल मीटर है फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे चलाते हैं। ये दो पॉप्स इस पे लगी होती हैं, ये रेड वाली पॉजिटिव और ये ब्लैक वाली नेगेटिव है। तो ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो मीटर है यहाँ पे सबसे नीचे कॉम लिखा हुआ है, तो ये कॉमन है। तो यहाँ पे हम अपनी ग्राउंड यानी ब्लैक प्रॉप जो है इसको हम लगा देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो सेकेंड वाला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 750 एसी और 1000 वोल्ट डीसी और 200 मिली एम्पियर मैक्सिमम इन्होंने लिखा हुआ है। तो आप यहां पे पॉजिटिव वो लगाएंगे फ्रेंड्स। तो ये कॉमनली हम टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये जो पोर्शन है इसको हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई 10 एम्पियर तक की कोई बैटरी चेक करनी हो तो उसके लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर हम इसी को यूज़ करते हैं तो इसको हम कम ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो अब आते हैं हम अपने मीटर पे फ्रेंड्स। मीटर थोड़ा जूम कर लो इसको। तो मीटर का जो ये इसका नॉब है फ्रेंड्स, जिसको हम मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू हमने जो भी चीज़ चेक करनी हो उसके हिसाब से। तो ये जो पोर्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सिंबल बना हुआ है एसी का। तो ये जो एरिया है इसमें हम अपने एसी वोल्ट चेक करते हैं। ये खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए एसी और डीसी का, कि अगर आप एसी वाले पोर्शन, अगर आप डीसी वोल्ट चेक कर रहे हैं तो आपने डीसी में चेक करने हैं, आपने एसी चेक करना है। आप इधर अगर सेट कर देंगे तो आपका मीटर ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप सर्किट पे जिस पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें एसी वोल्ट अवेलेबल हैं कि डीसी वोल्ट अवेलेबल हैं, तो उसी हिसाब से आपने काम करना है। तो यहाँ पे ये जो रेंज है, यहाँ पे 750 वोल्ट तक एसी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 200 वोल्ट तक। नॉर्मल घरों में अगर आपने एसी चेक करना है तो 250 वोल्ट तक आता है। तो आप इसको 750 की रेंज पर इसको सेट करिए और फिर आप अपने मीटर से इसको चेक करिए फ्रेंड्स। उसके बाद का ये जो पोर्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं डीसी ए एमपीए ए करके लिखा हुआ है एमपीयर। ये बेसिकली अगर हम यहाँ पे लगाते हैं प्रॉब को तो ये हमारे एमपीयर चेक करने के लिए होता है। तो ये मिली एमपीयर में हमें करंट शो करेगा यहाँ पे। तो आप ये बैटरी के एमपीयर्स वगैरह चेक करने के लिए हमें ये चीज़ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो एचएफई है फ्रेंड्स, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम यूज़ होता है। यहाँ पे NPN PNP आप देख रहे होंगे, ये HFE पे सेट करके आप यहाँ पे अपने ट्रांजिस्टर बेस एमिटर कलेक्टर, अगर आप जानते हैं इस चीज़ को तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। बट ये बहुत मतलब यूज़ करते ही नहीं है लोग बेसिकली ज़्यादा। जो मेन है फ्रेंड्स वो है हमारा ये कंटिन्यूटी बजर। यहाँ पे आप अपनी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, अपना डायोड चेक कर सकते हैं और रेजिस्टेंस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी, जैसे आप कोई चीज़, कोई तार चेक कर रहे हैं उसकी कंटिन्यू, जैसे आप जोड़ेंगे तो एक बज़र साउंड शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें एक बज़र बजना शुरू हो गया है। तो ये इससे क्या होता है, हम अपनी कंटिन्यूटी या हम यहाँ पे कोई डायोड चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये फ्रेंड्स मेरा के डायोड है, जैसा कि आप जानते हैं कि डायोड इसमें एनोड कैथोड होते हैं, हम नेगेटिव पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह से चेक होगा, आप डायोड को लगाएंगे तो एक साइड ये बिल्कुल भी, आप देख रहे हैं मीटर पे कोई भी कुछ भी हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है। और सेकंड इधर की तरफ आप लगाएंगे तो देखिए एक रीडिंग आ रही है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये डायोड ठीक है। अगर दोनों तरफ रीडिंग आए या दोनों तरफ कुछ ना आए, या फिर हम ये लगाएँ और ये बीप साउंड दे तो, बीप साउंड दे तो ये शॉर्ट है, और दोनों तरफ रीडिंग आए तब भी ये ख़राब है, लीकी है, और जब दोनों तरफ कुछ ना आए तब भी है, यानी ये एक साइड रीडिंग देगा और एक साइड रीडिंग नहीं देगा, तो ये ठीक है। तो ये ऐसे हम अपना डायोड चेक करते हैं इस जगह पे। और ऐसे ही हमारा ये जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है फ्रेंड्स, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक बार रेंज हमारी ऊपर जाएगी
उसके बाद नीचे आ जाएगी, फिर हम इसको उल्टा करके लगाएंगे तो ये देखिए एक बार रेंज ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, तो इसका मतलब ये ठीक है। अगर ये रेंज बढ़ती जाती है और बिल्कुल भी नीचे नहीं आता है तो भी ये ख़राब है, और अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, रेंज बढ़ नहीं रही, घट नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा, तो भी ये ख़राब है। ज़्यादातर केसेस में तो ये वैसे ही नज़र आ जाते हैं फ्रेंड, ये फूल जाते हैं, फट जाते हैं, तो आप मीटर से भी इनको चेक कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हम इस तरह से चेक करते हैं। सेकेंडली, इसके बाद जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये जो एरिया है यहाँ पे आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 2000 के, 200 के, 20 के। तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है फ्रेंड, ये इसकी वैल्यू है 470 ohms, तो मैं इसको 2000 ohm की रेंज में सेट करता हूँ। तो अभी आप देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए 465-466 के करीब इसकी वो आ रही है। ये थोड़ा सा अप डाउन इसलिए होता है, वैसे 470 ओम की रेजिस्टेंस है क्योंकि इसकी जो टॉलरेंस होती है तो उसकी वजह से जो इसका 5% अप डाउन जो वो दिखा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस ओके है। तो ऐसे हम यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो एरिया आपने देखा ये सारा रेजिस्टेंस वगैरह चेक करने के लिए है। इसके बाद ये जो कॉलम है फ्रेंड्स, ये DC वोल्ट चेक करने के लिए है। यहाँ पे आप अपने DC वोल्ट चेक कर सकते हैं, ये जैसे कि आपने देखा ये साइन बना हुआ है, यहाँ पे हम अपने DC वोल्ट चेक कर सकते हैं, 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट। तो ये सारा हमारा DC वोल्ट चेक करने के लिए है। तो कॉमनली फ्रेंड, ये सबसे सस्ता मीटर मार्केट में ये मिल जाता है। आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप अगर नया काम कर रहे हैं तो आप इसी मीटर को यूज़ करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा मीटर, क्योंकि ये मीटर आपको 130-140 रुपए का मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो अगर ख़राब भी हो गया तो आप चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीटर आप स्टार्टिंग में ना लें, क्योंकि ये सस्ता है पर ये परफेक्टली काम करता है। तो ये हमारी मीटर पे एक छोटी सी वीडियो थी फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें फ्रेंड्स, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक